हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला, अशोक निर्मला। ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नए तरीके का नाश्ता जो ब्रेड से बनेगा। इसमें ब्रेड यूज की जाएगी, वो भी कौन सी ब्रेड जो मेरे बच्ची हुई थी। बच्चों ने नाश्ते की डिमांड की तो सोचा क्या बनाऊँ, ब्रेड के बच्चे हुए इससे हैं, इनसे कुछ अच्छा बनाऊँ। तो मैंने बेसन में कुछ चावल मिला लिए और मेरे पास प्याज पत्ती पड़ी थी तो उसको डाल लिया, धनिया पत्ती पड़ी थी तो उसको भी डाल लिया। फिर नमक मिर्च डाल के मैंने ये घोल तैयार कर लिया है। इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली है मैंने घोल में, और थोड़ा सा तेल पैन में लगा के, और इस घोल को मैं ब्रेड के ऊपर ऐसे लगा दूंगी। ये देखिए, ये जो ब्रेड बची हुई है ना, वो है जो मैं यूज कर रही हूँ। ये देखिए, चावल का आटा इसमें ऐड किया हुआ है, जिससे क्या ये क्रिस्पी हो जाएगी, एकदम क्रिस्पी। और बेसन भी इसमें मैंने डाला है। ये घोल तैयार किया है, ये ना पतला है ना गाढ़ा है, बस ठीक ठीक है। कुछ है प्याज और हरी मिर्च, ये देखिए मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ। अब इसके ऊपर ही मैं ये पेस्ट जो घोल बनाया हुआ है वो डाल दूँगी, बेसन वाला। और इसको मीडियम आंच पे हम पकाएंगे, मीडियम आंच पे हम पकने देंगे। और इतना स्वादिष्ट ये लगता है नाश्ता, बहुत स्वादिष्ट है और झट से बन जाता है। इसकी प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए, अब हम इस पे एक ढक्कन लगा देंगे जिससे ये मीडियम फ्लेम पे पक जाए। इसको पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, झट से पक जाता है। कम तेल ही यूज होता है, ज़्यादा फ्राई डीप फ्राई की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और स्वाद भी बहुत लगता है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आया, तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इसको पलट रही हूँ। ये थोड़ा सा ऊपर मैं क्यों तेल लगा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप भी बनाएं, अपने बच्चे फैमिली फ्रेंड्स को सबको खिलाएं, सबको पसंद आएगा ये। वो दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी होता है। ये देखिए, चाय के साथ एंजॉय कीजिए, या सॉस चटनी, आप जिसके साथ भी एंजॉय करना चाहें इसको आप कर सकते हैं। और ये टिफ़िन के लिए बेस्ट है। थैंक यू।